Good morning, students. Students, today we will read the chapter 6, SST, leisure time. Leisure time means, leisure time वो time होता है, जैसे हम free time होता है ना हमारा, जब हम काम कर, leisure time मतलब free time, ठीक है? Fun or recreation is essential after work. Fun, fun का मतलब होता है मजा. Or recreation मतलब मनोरंजन. Is essential. Essential का मतलब जरूरी. After work, काम के बाद. देखो काम करने के बाद जो है मजा और मनोरंजन जो है बहुत जरूरी है. अब आप जैसे कोई भी काम कर रहे हो, काम करने के बाद आप कहते हो ना थोड़ा सा हम आराम कर लें या फिर कुछ खेल लें, कुछ मजा कर लें, तो वही कह रहा है. Fun or recreation is essential after work. We need time to relax our body and refresh our mind. कि हमें We need कि हमें अपने मतलब क्या है, हमें रिलैक्स करने के लिए, हमें अपनी अगर बॉडी को रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को आराम देना है और या फिर अपनी बॉडी को रिफ्रेश करना है तो हमें टाइम चाहिए. वी नीड टाइम, हमें टाइम चाहिए, हमें समय की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है अपने शरीर और दिमाग को तो क्या करने के लिए, रिफ्रेश. मतलब रिफ्रेश का मतलब है तरोताज़ा करने के लिए. वी फॉलो, हम यहाँ पर फॉलो करते हैं डिफरेंट लेजर टाइम एक्टिविटीज़ दैट गिव प्लेजर एंड कीप अस बिजी. हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ पर फॉलो करते हैं डिफरेंट लेजर टाइम एक्टिविटीज़. हम डिफरेंट लेजर टाइम एक्टिविटी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जो कि हमें खुशी देते हैं और हमें बिजी रखते हैं. लेजर और फ्री टाइम इज़ द टाइम लेजर और फ्री टाइम इज़ द टाइम स्पेंट अवे फ्रॉम वर्क और फॉर एंटरटेनिंग एंड रिलैक्सेशन. मतलब लेज़र और फ्री टाइम वो टाइम होता है जिसमें हम क्या है अपने काम को स्पेंड अवे फ्रॉम वर्क फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन. कि हम अपने काम को छोड़कर, अपने काम को स्पेंड करके मतलब दूर कर क्या करते हैं, अपने एंटरटेन करते हैं, अपने आप को मनोरंजन करते हैं और रिलैक्स फील करते हैं, तरोताज़ा फील करते हैं, ठीक है. लेज़र टाइम एक्टिविटी आर नॉट न्यू. लेज़र टाइम एक्टिविटी जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं वो न्यू नहीं हैं. द एविडेंस फ्रॉम एक्सकेविएशन एंड एंसिडेंट टाउन्स ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा टेल्स अस दैट मैन हैज़ इंजॉयड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र एक्टिविटीज़. मतलब पुराने समय में मोहनजोदड़ो और हरप्पा ने भी टेलस हमें बताया मैन इन्जॉयड, मैन क्या करता था, इन्जॉय करता था, मज़ा लेता था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र एक्टिविटीज़ का यूज़ करता था, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को यूज़ करता था. इन अर्लियर टाइम्स मैन प्लेड मार्बल्स. कि पहले क्या होते थे, जो अर्लियर टाइम्स मैन जो थे, आदमी थे, प्लेड मतलब खेलते थे मार्बल्स. मार्बल मतलब बंटों के साथ, कंचों के साथ, जिन्हें आप कंचे लेकर आते हो, जैसे वो उन कंचों के साथ देखते थे, बॉल के साथ देखते थे. एंड डाइस गेम फॉर रिक्रिएशन, अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे वो इनके साथ खेलते थे. लेज़र एक्टिविटीज़ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. लेज़र एक्टिविटीज़ ये क्या है, ट्रेडिशनल है एंड मॉडर्न है. ट्रेडिशनल लेज़र टाइम एक्टिविटी फॉलोड इन इंडिया वह, जो ट्रेडिशनल लेज़र टाइम एक्टिविटी किस किस को फॉलो कर रही थी हमारे इंडिया में, भारत में, वर डांसिंग, विजिटिंग फेयर्स, पेंटिंग एंड म्यूजिंग, मार्शल आर्ट, हंटिंग, स्विमिंग, चैरिट रेसिंग, रेस्टलिंग वर आल्सो पॉपुलर. कि मतलब कि जो पुराने समय में अगर लोग खाली होते थे ना, फ्री होते थे, वो क्या करते थे, डांस करना, वर डांसिंग, विजिटिंग फेयर, वो मेलों में चले जाते थे, म्यूज़िक अपना म्यूज़िक सुनते थे, संगीत सुनते थे, मार्शल आर्ट्स आपको पता है कराटे होते हैं, हंटिंग शिकार करते थे, स्विमिंग मतलब तैरते थे, और रेसिंग करते थे एंड रेस्टलिंग करते थे. रेस्टलिंग का मतलब है रेसलिंग, कुश्ती खेलते थे, ठीक है. वर ऑल ऑल्सो पॉपुलर, वो पॉपुलर होती थी. मोस्ट ऑफ दैम एक्टिविटी आर स्टिल फॉलोड इन मॉडर्न टाइम्स. मोस्ट ऑफ इनमें से कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो फॉलो की जा रही हैं मॉडर्न टाइप एक्सेप्ट, सिर्फ एक्सेप्ट हंटिंग को छोड़ के. हंटिंग मतलब शिकार, विच हैज़ बिन बैंड बाय लॉ. कि ये जो है किसने बैन की है, हमारे लॉ ने बैन कर दिया है, हमारे कानून ने बैन कर दिया है. मैनी पॉपुलर लेजर टाइम एक्टिविटीज़ आर वर वॉचिंग टेलीविज़न, सिनेमा, वीडियो गेम्स, वर्किंग आउट इन जिमेनियम, बैडमिंटन, टेनिस, पोलो,
एक्सेट्रा. मतलब अगर आप मतलब इसमें क्या है, मैनी पॉपुलर लेजर टाइम, आज के दिन मतलब टाइम में हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ टूडे, मतलब आजकल अगर हम फ्री हैं तो हम टीवी देख लेते हैं, सिनेमा में चले जाते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, या फिर जिम में वर्कआउट करते हैं, ठीक है, और बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, पोलो खेलते हैं, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ हम करते हैं मॉडर्न टाइम में, मतलब आजकल में. बोर्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स कौन सी गेम्स होती हैं जो कि फट्टे तख्ती बोर्ड कार्डबोर्ड से रिलेटेड वाली गेम्स होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड गेम्स हैव एंटरटेन्ड मैनी जनरेशन ऑफ इंडियंस, कि डिफरेंट टाइप की बोर्ड गेम्स होती हैं जो एंटरटेन करती है, हमें एंटरटेन करती है मैनी जनरेशन ऑफ इंडियन. सम बोर्ड गेम्स लाइक सर शतरंज, शाहपुर हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी. मतलब ये क्या है कि सम बोर्ड गेम्स लाइक शतरंज, शाहपुर हैव, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, मतलब भारतीय इतिहास, और मैथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाओं का क्या है ये बोर्ड गेम्स हैं, ठीक है, ये क्या है पौराणिक कथाओं का हिस्सा हैं. दे आर स्टिल प्लेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ये अभी भी मतलब प्लेड की जा रही हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, हमारी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, अलोंग विद मैनी न्यू बोर्ड्स गेम्स लाइक, और एक न्यू इनके साथ न्यू बोर्ड्स गेम्स आ गई हैं लाइक चेस करते हैं, लूडो, स्क्रबल एंड पिक्ट्री, ठीक है. देन नेक्स्ट है अदुहिलुई अटा, ये क्या है, ये कौन सी गेम है, द टाइगर एंड गोट गेम ऑफ कर्नाटका, ये किसकी गेम है, टाइगर और गोट की है, मतलब यहाँ पर टाइगर और गोट की गेम्स है कर्नाटका की, हेल्प टू डिवेलप स्ट्रेटजी द एंड टीम वर्क, ये क्या है, जो ये अगर गेम खेलते हैं ना तो ये टीम वर्क में मतलब टीम वर्क के साथ ही होने चाहिए, एक मतलब समूह में खेलते हैं. वन प्लेयर कंट्रोल थ्री टाइगर, एक प्लेयर जो होता है वो कंट्रोल करता है तीन टाइगर्स को, वाइल अदर जो कंट्रोल करता है वो फ्लोक ऑफ 15 गोट्स, वो क्या करता है उनके 15 गोट्स को क्या करता है, फ्लॉक करता है. उसके बाद है अयुगुली मैने और पालगुली, इस प्लेड इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में खेलते हैं. इट इम्प्रूव्स द, ये इम्प्रूव करते हैं द स्किल ऑफ मेंटल कैलकुलेशन एंड कंसंट्रेशन. मेंटल कैलकुलेशन देखो, दिमाग में हम जैसे मेंटल कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारी मेंटल कैलकुलेशन, दिमागी में जो हम कैलकुलेशन करते हैं, और हमारी कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है. उसके बाद है बोट रेसिस, बोट रेसिस क्या है, इन ओल्डन टाइम्स, पहले टाइम में क्या होता था, मैन हैड टू बी, बोट रेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो इन ओल्डन टाइम्स, पहले टाइम में क्या होता था, मैन हैड टू बी स्किलफुल बोटमैन टू क्रॉस आवर वाटर बॉडीज. इन ओल्डन टाइम्स में क्या होता था कि मैन जो था स्किलफुल बोटमैन क्रॉस आवर वाटर बॉडीज, ही आल्सो एन एक्सपर्ट फिशरमैन, ये क्या था कि एक एक्सपर्ट फिशरमैन होता था. ही यूज़ टू नो और क्राफ्ट एंड लेटर सेल बोट्स, ही यूज़ टू नो कैनोए और राफ्ट एंड लेटर सेल बोट्स. कैनोए मतलब लट्ठों, और राफ्ट्स मतलब कि डोंगी और लट्ठों का क्या है, यूज़ करता था. इवन टुडे बोट्स आर कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स, ये जो है आजकल क्या है, टुडे बोट्स आर कॉमन मोड हो गया, मतलब जो बोट्स हैं कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स के लिए, ठीक है. एवरी दे आर यूज फॉर फिशिंग एज वेल एज प्लेजर, ये क्या है कि हम ये जो यूज़ कर रहे हैं बोट्स का यूज़ कर रहे हैं, या तो फिशिंग के लिए मतलब मछली पकड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ प्लेजर, या फिर हम अपनी खुशी के लिए, हम देखो जैसे हम बोट में जाते हैं, हम अपनी घूमने के लिए जाते हैं, है ना, तो हमें ये क्या देते हैं, खुशी देते हैं, प्लेजर खुशी होगा. इन रिसेंट टाइम्स, आजकल के टाइम में मोटराइज्ड बोट्स आ गई हैं एंड फास्टर शिप्स हैव मेड वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी पॉपुलर. आज के टाइम में क्या होगी कि हमारे पास मोटराइज्ड बोट आ गई हैं और फास्टर, वो क्या है, फास्टर शिप्स आ गई हैं, हैव मोड मेड वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी पॉपुलर. उन्होंने क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट को क्या बना दिया है, वेरी पॉपुलर बना दिया है. रिवर राफ्टिंग करते हैं, सेलिंग एंड वाटर स्किलिंग आर मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स टूडे. आजकल में क्या है, राफ्टिंग करते हैं हम, ठीक है, और ये क्या है, वाटर स्किलिंग आर पॉपुलर स्पोर्ट टूडे, आजकल ये हो गई है. तो देखो यहाँ पर दिया ट्रेडिशनल कैनोन और एंड ड्राफ्ट, पहले जो समय में क्या होते थे ये ऐसे, ये देखो ये यूज़, ये कैनोए हैं और ये देखो लट्ठों का, ये ड्राफ्टिंग का ये यूज़ कर रहे थे, ठीक है. बट आजकल में हमारे पास जो आई हैं
ये हमारे पास देखो मॉडर्न टाइप की बोट एंड शिप, देखो बोट और ये शिप्स हैं, ठीक है, आजकल के ज़माने की, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड, तो देखिए अब है मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी वर नेसेसरी फॉर द एंशिएंट मैन इन हंटिंग, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजर। कि फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब है शारीरिक ताकत, और एजिलिटी का मतलब है क्विक मूवमेंट मतलब फुर्ती, बहुत जरूरी है। वर नेसेसरी का मतलब है कि बहुत जरूरी है। फॉर द एंसीडेंट मैन इन हंटिंग, शिकार के लिए, जैसे शिकार पे जा रहे हो या फिर क्लियर करना है, अगर आपने फॉरेस्ट को, अगर जंगल को साफ करने जा रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजर, डेंजर से मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उससे बचने के लिए आपको मार्शल आर्ट भी बहुत जरूरी है। हिज थ्रिल एट विनिंग आवर एन ओपोनेंट वॉज द बिगिनिंग ऑफ मार्शल आर्ट एज स्पोर्ट। जब मनुष्य ने यह सोच लिया, वो कहता है कि जब मनुष्य ने यह सोच लिया कि अब वह अपने दुश्मनों से विजय प्राप्त करेगा, विन करेगा, तो उसने क्या, तब से क्या हुआ, एक खेल शुरू हुआ। तो वो जो खेल शुरू हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, वो मार्शल आर्ट खेल है। मार्शल आर्ट इज़ द प्रैक्टिसेस का ऑफ फाइट एंड सेल्फ डिफेंस। फाइट मतलब लड़ाई, झगड़ा, लड़ाई है ना, एंड सेल्फ डिफेंस अपने आप को बचाने का एक वो है। इट नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके लिए हमें शारीरिक ताकत, स्किल और कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैव ए बीन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल गेम्स। डिफरेंट मार्शल आर्ट जो हैं, मार्शल आर्ट्स के जो फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल गेम्स। डिफरेंट मार्शल आर्ट के फॉर्म्स हैं इंडियन कल्चर में, हमारे भारतीय कल्चर में, और ट्रेडिशनल गेम्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। द इंडियन रेस्टलिंग, कुश्ती इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। जो मार्शल आर्ट की फॉर्म एक क्या है, कुश्ती है, ठीक है, रेस्लिंग। नाउ मार्शल आर्ट ऑफ जूडो, कराटे, ताइक्वांडू एंड क्विंग फू आर पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये जो हैं, ये जो मैंने आपको बताए, जूडो, कराटे, ये जो क्या है, मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है हमारे इंडिया में, मतलब हमारे भारत में, एंड द वर्ल्ड में, पूरे संसार में। देन नेक्स्ट ये देखिए, आपको यहाँ दे रखा है मणिपुर मार्शल आर्ट। मणिपुर में देखो कैसे यूज़ कर रहे हैं मार्शल आर्ट, क्या कैसे हो रहे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कैलेरिया और ये देखिए जो केरला के हैं, केरला के देखो लोग मार्शल आर्ट कैसे खेलते हैं, ये अपने वेपन्स का लिए, अपने अगर मार्शल आर्ट खेलना है तो ये देखो ये क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। योगा आसन एंड प्राणायाम, देखो योगा आसन और प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस मेक्स अ सिक एंड टायर्ड। देखो फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, और मेंटल स्ट्रेस मतलब मानसिक तनाव। मेक्स क्या बनाता है, सिक बीमार बनाता है, और टायर्ड थका बनाता है। योगा हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। जो योगा है आपकी मदद करेगा स्वस्थ जीवन रहने में, और स्ट्रेस फ्री लाइफ, आपकी जो तनाव से रहित, मतलब तनाव से अलग, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहोगे अगर आप योगा करोगे। इट आल्सो गाइड अस टू अडोप्ट राइट ईटिंग हैबिट। ये आपको गाइड भी करेगा कि आपको अडोप्ट करेगा कि आप क्या चीज़ राइट ईटिंग हैबिट्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी, कौन कौन से अच्छा खाने। In recent times, it has become very popular in India and all over the world. ये क्या है, योगा और आसन, प्राणायाम जो है वो क्या है, very popular हो चुका है हमारी इंडिया में and all over the world, कि भारत में और पूरे संसार में ये popular हो सकता है। योगा टीच वेरियस आसन, जो रोज योगा है टीच हमें सिखाते हैं वेरियस आसन, काफ़ी तरह के आसन सिखाते हैं। पोस्टर्स ये देखो काफ़ी सारे आकृतियाँ दिखा रहे हैं। टू बिल्ड एनर्जी, ये हमारी बॉडी को, हमारी एनर्जी कैसे बनती है। टोन्स आवर मसल्स, हमारी मसल्स को मजबूत बनाते हैं। एंड कीप आवर बॉडी फिट, जो हमारी योगा अगर करेंगे तो इससे हमारी जो बॉडी है वो फिट रहेगी। योगा डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और वेन्यू। योगा करने के लिए आपको
भी योगा करना के लिए कि आपको ये है कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का मतलब है कि आपको ये योगा करने के लिए काफ़ी काफ़ी उपकरण की ज़रूरत नहीं होती। योगा तो हम एक्सपेंसिव वो तो हम खुद कर सकते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब है कि महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन बी प्रैक्टिसाइज एनी वेयर एट एनी टाइम ऑफ द डे। हम इसको कहीं पे भी कर सकते हैं योगा को, एट एनी टाइम, कभी भी दिन में। प्राणायाम रेगुलेट ब्रीथिंग एंड रिलीज आवर बॉडी एज वेल एज माइंड। प्राणायाम जो है रेगुलेट करता है हमारी ब्रीथिंग को, मतलब हमारी सांस को, एंड रिलैक्स आवर बॉडी एज वेल एज माइंड, हमारी बॉडी को रिलैक्स फील करवाता है और हमारे माइंड को। इट आल्सो क्योर्स ब्रीथ रिलेटेड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक एनेक्सिटी एंड डिप्रेशन। ये क्यूरी मतलब इनकी तरफ ध्यान देता है, ब्रीथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें करता है, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक एनेक्सिटी एंड डिप्रेशन। ये मतलब चिंता और तनाव से रहित वाली उनके तरफ क्यूरियस रहता है, मतलब उनकी तरफ ध्यान देता है। ब्रीथिंग प्लेस, ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपको पता है जो ब्रीथिंग है इंपॉर्टेंट प्ले करता है, जैसे सांस लेना क्या है इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करेगा हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में। व्हेन वी इनहेल, इनहेल इनहेल का मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं, द ब्रीथ हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन। जब आप सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन को क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी एक्सहेल, जब हम सांस छोड़ते हैं हार्मफुल गैस, जो हमारे से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। टेक ए लॉन्ग डीप, अब डीप ब्रीथ आप क्या करो, एक लॉन्ग ब्रीथ लो, मतलब एक लंबी सांस लीजिए। यू विल इमीडिएटली फील मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स्ड। आप क्या क्या फील करोगे, आप ये फील करोगे आप मेंटली और फिजिकली क्या हो, रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, मतलब आरामदायक फील कर रहे हो, ठीक है। देन आप पढ़ोगे, देन आप कल हम टॉपिक जो ये आपके हाफ चैप्टर रह गया वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।